लिमरा न्यूज, हम दिखाते हैं सच, देश प्रदेश की सच्ची खबरों के लिए देखते रहिए लिमरा न्यूज। नमस्कार, मैं अंकित तिवारी, लिमरा न्यूज देख रहे हैं आप। जैसा कि आप लगातार देख रहे हैं, हम प्राथमिक विद्यालय का सर्वे कर रहे हैं कि किस तरह से प्राथमिक विद्यालय के हालात हैं। आज हम फिर इसी कड़ी में मौजूद हैं लखनऊ के बेसिक विद्या लाजपत नगर लखनऊ बेसिक शिक्षा परिषद वार्ड चौक लखनऊ, ये इमामबाड़े के पास में प्राथमिक विद्यालय है। यहाँ चलिए तो चलते हैं क्लास में, किस तरह के हालात हैं यहाँ से बच्चों से बात करते हैं। आइए। नाम क्या है बेटा? दानिश। आपका नाम क्या है? सानिया। आज क्या पढ़ाया गया जी? आज क्या पढ़ाया मैम? आज कोई पार्टिसिपेट, कोई प्रोग्राम चलने वाला है क्या मैम? अच्छा, दिवाली एक्टिविटी हो रही है। आपने क्या बनाया? हम ये बनाया। ये बनाया जा रहा है। पार्ट तीन, मेरी शिक्षा जी। पांचवे या छठे बरस में मेरा अक्षरंभ कराया गया था। उस समय की प्रचलित प्रथा के अनुसार जी, बस बैठ जाओ। आप पढ़िए। अक्षरंगो मौलवी साहब ने बिस्मिल्लाह के साथ कराया था। जिस दिन बैठ जाओ। ये बताइए, टेबल आता है? पहाड़े आते हैं? पहाड़े कितने तक के पहाड़े आते हैं आप लोगों को? 15 तक आते हैं? 20 तक आते हैं आपको? आप फिफ्थ क्लास में? आपको कितने तक आते हैं? आपको 10 तक आते हैं? आपको 15 तक आते हैं? आपको 20 तक आता है? चलिए बहुत बढ़िया, सुनाइए फिर 13 की टेबल सुनाइए। 13 का 13 मतलब 13, 13 टू जो 13 मतलब 13, 13 टू जो 26, 13 थ्री जो 39, 13 फोर जो 52, 13 फाइव जो 65, 6 × 6 = 104, 6 × 6 = 130, 6 × 6 = 140, 6 × 6 = 144, 6 × 6 = 60। आपका नाम क्या है? इकरा। आपका नाम? उमा फातिमा। योगी आदित्यनाथ कौन है? मुख्यमंत्री हमारे देश के, हमारे प्रदेश के। डॉक्टर दिनेश शर्मा कौन है? सतीश चंद द्विवेदी कौन है? केशव प्रसाद मौर्य कौन है? नरेंद्र मोदी कौन है? मुख्यमंत्री हैं। आप बताइए, डॉक्टर दिनेश शर्मा कौन है? राष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति कौन है हमारे देश का? डॉक्टर दिनेश शर्मा कौन है? राजनाथ सिंह कौन है? एट क्लास के हैं आप लोग? आज क्या पढ़ाया गया आप लोगों को? मैम नहीं आई है। आप मतलब एक ही टीचर थोड़ी ना पढ़ाती होगी आप लोगों को? अलग अलग आते होंगे ना सब्जेक्ट के टीचर? यस। तो एक टीचर नहीं आई होगी ना? नो, एक ही मैम पढ़ाती हैं सर। एक ही मैम पढ़ाती हैं आप लोगों को? पूरा सारे कोर्सेस वही पढ़ाती हैं? यस। कितने सब्जेक्ट होते हैं आप लोगों के? 11 से 12 तक। 11 से 12। यस। आपका नाम क्या है? पीयूष अवस्थी जी। पीयूष अवस्थी। राष्ट्रपति कौन है हमारे देश का? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी सर। डॉक्टर दिनेश शर्मा कौन है? राष्ट्रपति कौन है? हमारे देश के राष्ट्रपति हैं श्री रामनाथ कोविंद जी। बहुत बढ़िया, तालियां बजाइए इनके लिए। आपका नाम क्या है? नीरज पाल। डॉक्टर दिनेश शर्मा कौन है?
राष्ट्रपति कौन है? राष्ट्रपति कौन है हमारे? श्री रामनाथ कोविंद। इनके लिए भी तालियां बजाइए। श्वेता पढ़िए आप ये इसे। चलिए रहने दीजिए, आप पढ़िए। आप आपका नाम क्या है? रोशनी पात्रा। रोशनी जी? जी जी रोशनी जी, पढ़िए आप। असम इज स्टेट लॉक। जी जी जी, आप पढ़िए, आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। आसाम इज अ स्टेट लॉक्ड इन द नॉर्थ। जी जी जी, आप पढ़िए आप। असम इज लोकेटेड। जी जी जी, असम इज अ स्टेट लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। इट इज सिचुएटेड जस्ट। इनके लिए तालियां बजाइए, बहुत अच्छी पढ़ रहे हैं इंग्लिश। राष्ट्रपति कौन है हमारे देश का? योगी आदित्यनाथ। जी? योगी आदित्यनाथ। योगी हैं। राष्ट्रपति कौन है हमारे देश का? श्री अमितनाथ गोविंद। श्री योगी आदित्यनाथ। और प्रधानमंत्री कौन है? टेबल कितने तक आती है लोगों को? आप लोगों को कितनी तक टेबल आती है? 15 तक? 20 तक आती है? 13 की टेबल कौन सुनाएगा? आप सुनाएंगे। आपका नाम? इमदान। जी? इमदान। बताइए टेबल कौन से सुनाएंगे? 12 का सुना दे। 12 का? हाँ 12 का सुनाइए, कोई दिक्कत नहीं। हिंदी में? हाँ रे, कोई नहीं, अंग्रेजी हिंदी कोई नहीं। 12 का 12, 24 बार 31, 32 बार, 48 बार, 60 बार, 72 बार, 84 बार, 96 बार, 108 बार, 120। ये बताइए 8th क्लास में है आप लोगों के सब्जेक्ट कितने हैं? हिंदी इंग्लिश मैथ ये तो होगा ही होगा। सिस के बाद में हमारे पीसी भी बढ़ जाता है। तो आपने क्या लिया? कुछ ऐसा अभी तो सीन हुआ कि नहीं हुआ कि 9th के बाद होता है? यस यस सर, चॉइसिंग तो इस समय तो सब सेम है, 9th से चॉइसिंग होती है। कितने सब्जेक्ट होती है बता दीजिए जरा, हम भी पढ़े थे याद नहीं है। इंग्लिश मैथ साइंस होम साइंस हिस्ट्री सिविक ज्योग्राफी साइंस होम साइंस हिंदी संस्कृत इंग्लिश उर्दू मैथ। संस्कृत और उर्दू दोनों पढ़ाई जाती है? संस्कृत कितने लोगों ने लिया है? बहुत लोगों ने संस्कृत लिया है। तो संस्कृत में लिखना आता है लोगों को? आपका नाम क्या है? हुमा फातिमा। संस्कृत आती है आपको अच्छी? जी सर। संस्कृत में लिखिए, चलिए आइए। सर लिख तो नहीं पाएंगे सर, पढ़ लेते हैं थोड़ा। गच्छामी गच्छाम क्या था? गच्छामी जाते हैं। आपसे पूछते हैं, सबसे इंटेलिजेंट आप हमें लग रही हैं यहाँ पे हर मामले में। सर संस्कृत पढ़ तो लेते हैं लेकिन लिख पढ़ लेते हैं? यस सर। बुक है किसी के पास? यस सर। लड़के कोई नहीं बोल रहे यार, क्या बात है, है? आप हैं? चलिए अब जितने लोगों ने बुक दिया उनसे नहीं पढ़ाएंगे, पीछे पढ़ाएंगे इनसे। आपके पास बुक है? चलिए आप अपनी बुक खोलिए भाई, हम देख नहीं पाते, मतलब पढ़ नहीं पाते सही से, हमें बता दीजिएगा आप सही पढ़ रही कि नहीं पढ़ रही। तेजो मई देही वीर मसी व्य। सही पढ़ रही हैं? मई देही नहीं पढ़ रही हैं सही, वीर मसी। हाँ तो यही तो बोला था, वीर मसी व्य मई। अब हिंदी कौन बताएगा इसकी हमको? आप बताएंगे हिंदी हमको इसकी। आप पढ़िए पहले। जी आप पढ़िए, ये हमें हिंदी बताएंगे, ठीक है? और ये हिंदी जैसे बताएंगे बताना हमें सही बोलने की नहीं बोलने, ठीक? सर संस्कृत की बुक नहीं है मेरे पास।
अरे यार लो ये लीजिए बुक लीजिए आप, मतलब इतने इंटेलिजेंट इंसान के पास बुक नहीं है। तेजोसी तेजोमयी देही वीर्यमसी वीर्यमयी देही बलमसी बलमयी देही ओजोसी ओजोमयी देही। अब आप हिंदी बताइएगा ठीक कि सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं। ठीक सर, थोड़ा बहुत आता है। थोड़े बहुत बताइए, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छा पढ़ा है, एकदम बिल्कुल एकदम करेक्ट। तेज स्वरूप हो जी, मुझे प्रदान करना या फिर देना या देगी। आप बताइए, हिंदी बता दीजिए आप, सब लोग सुन लेंगे। हे भगवान, तुम तेज स्वरूप हो जी, मुझे स्थापित करो, प्रदान करो शक्ति, दो सामर्थ्य को, तुम ओज के स्रोत हो, ओज को हे भगवान आपकी कृपा से हम सभी 100 वर्ष तक देखें जीवित हैं। बस बैठ जाओ। यहाँ पे संस्कृत के बच्चे बहुत हैं मैम, संस्कृत बढ़िया पढ़ रहे हैं लोग। चोरी कब हुई? 5 तारीख को। मैम काफ़ी लंबा वक्त हो गया, तो दोबारा बोला नहीं गया मैम। आप ये बात प्रिंसिपल मैम से पूछ लीजिए कि क्यों नहीं, सब सर की पूछा गया, सारे अधिकारियों तक सूचना है जी। लेकिन अब जो भी होगा वो प्रिंसिपल हो गया तो वो तो वापस आएगा नहीं, नया पंखा ही लगेगा। हाँ नया ही लगेगा, परेशानियों में इतने दिन से रह रहे हैं, और फिर अभी 1 मंथ यही है, उसके बाद तो पंखे का काम ही नहीं है जी। लेकिन तो ये प्रिंसिपल मैम जैसा बजट अलाउ करेगा तभी तो वो लगा पाएंगे। पूरे स्कूल में 6 पंखे गए हैं चोरी में, तो कहाँ से लगा सकते हैं? 6 पंखे कहाँ से ले आए अचानक? ये होता है कि कुछ बच्चों को उस रूम में बैठाते हैं तो वहाँ बैठाते हैं जहाँ जहाँ बचे हुए हैं पंखे, 2 शिफ्ट में स्कूल चलता है। वो तो चीज़ है मैम, लेकिन बजट के बोल रहे हैं, बजट तो मैम लगातार प्राथमिक विद्यालय या जो भी गवर्नमेंट स्कूल है उनके लिए बहुत पैसा दिया जा रहा है। सेशन में तो कुछ बजट नहीं है मैम, पूरा सेशन बीत गया कोई बजट नहीं आया। बजट तो दिया गया है मैम सर, हमारे यहाँ नहीं आया तभी तो आया नहीं ना, ये हाँ, चीज़ें हैं तो, लेकिन पास किया गया है। हाँ पास किया गया, जब आएगा तो हो जाएगा, ये जो भी कमी तो अभी है ना बच्चों को, ये बात प्रिंसिपल मैम से कह दी जी। मैम ये सर से आते हैं ये लोग, इनका मतलब जमीन ही सही नहीं है, क्या किया जाए? हम लोग पहले लोगों की पढ़ाई ढंग से भी नहीं, घर पे कोई ध्यान देता नहीं है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह थोड़ा सुधरे। जनरल नॉलेज तो यहाँ पे सबकी वीक है मैम, वहाँ भी मैंने बात की कई लोगों से, किसी को मुख्यमंत्री नहीं पता, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम नहीं पता, प्रधानमंत्री का नाम नहीं पता है। बोलेंगे आप मैम जनरल नॉलेज मैम जाए से, ये तो पता होना ही चाहिए। टीचर बहुत कम है, अभी खुला ही है बच्चों का तो फिर में थे मैम, एट में मान सकते हैं आपकी मैम, एट के बच्चे को नहीं पता है, थोड़ा सा और कई लोग तो मतलब इंग्लिश पढ़ ले रहे हैं, कई लोग तो बिल्कुल नहीं पढ़ पा रहे ना मैम। सही बात है सर, रोज़ की प्रैक्टिस नहीं हो पा रही है सर बाकायदे से, बच्चे एक दिन आते हैं किसी दिन नहीं भी आते हैं, कोई कोई नहीं, बच्चे तो कह रहे हैं मैं रोज आता हूँ क्योंकि नहीं पढ़ पा रहे हैं। जानी होंगे अपने घर में बच्चे होते हैं कोरोना के कारण कितने मतलब लर्निंग गैप चला गया है, बहुत गैप हो गया, आप लोग भी कोशिश घर में कोशिश करते हैं, इनके घर में कोई कोशिश करता नहीं है। कई बच्चे तो काफ़ी टैलेंटेड है ना मैम, तो जो टैलेंटेड है तो टैलेंटेड है ही, लेकिन जो वीक है उनको उन पर ध्यान देने पूरा सर पूरे क्लास पर ध्यान दिया जा रहा है, ऐसा नहीं आप देख रहे होंगे, ऐसा नहीं है, सबको सब पे ध्यान देते हैं, लेकिन अब ये कुछ चीज़ें रह जाती हैं, सब कुछ बताते बताते कुछ चीज़ तो रह जाती हैं। जनरल नॉलेज तो जरूरी है ना मैम, प्रधानमंत्री का नाम नहीं पता, योगी आदित्यनाथ को नहीं पता नहीं, ये लोग याद रखते हैं, बताया जाता है, ऐसा नहीं जो देखिए कुछ बच्चों ने बताया भी, ऐसा नहीं है, बताया सबको जाता है हर चीज़, कुछ बच्चे नहीं याद कर टाइम पे याद रख पाते हैं, दो नाम आपस में मिक्स कर दे रहे हैं, बताते बताते मिक्स भी तो कर दे रहे हैं, कोशिश तो पूरी की जाती है सब बताया जाए लोगों को। एक्चुअली मैम सारे क्लासेस में मैं गया तो जनरल नॉलेज सबकी बहुत ज़्यादा वीक है, ऐसे की क्या वजह है मैम? ऐसा वजह ये है कि ये बच्चे बिल्कुल ज़ीरो होके आए थे, कुछ पूछो कुछ नहीं बता रहे थे, और सितंबर से खुला है, इनको डेली ये बताया जा रहा है प्रेयर के समय, डेली बताया जा रहा है। कुछ बच्चे जो है कुछ बच्चे बता रहे होंगे, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सब नील नहीं होंगे, कुछ बच्चे बता रहे होंगे, कुछ तो बताया होगा बच्चों ने कि सब नील है। मैम कुछ ने आधा मतलब मिक्स कर दिया नाम, योगी मोदी का नाम मिक्स कर दिया। वो ऐसा है ना कि जब ये बच्चे आए हैं कोरोना के बाद बिल्कुल आप इमेजिन नहीं कर सकते, बिल्कुल जीरो। और क्लास के बच्चे हम 8 की बात कर रहे हैं, 8 की भी चाहे 8 की बात, ये जो लड़के हैं और लड़कियां सब ना ये सब काम करने लगते हैं,
ये सबसे बड़ी रीज़न है। तो ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं ना, इसे हम नॉर्मल चीज़ें हैं। हाँ ये तो ये है, पेरेंट्स भी रहते हैं, न्यूज़ चल रहा है आज के टाइम में, सोशल साइड है, सब लोग एक्टिव रहते ही हैं, इतने क्या सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पे तो मैं तारीफ करूँगा, कई लोगों को संस्कृत बहुत अच्छी पढ़नी आ रही है, कई बच्चे हैं मैंने बात की तो संस्कृत बढ़िया पढ़ ले रहे हैं, लेकिन मैम कुछ लोग तो हिंदी भी सही से नहीं लिख पा रहे हैं, यहाँ तक कि बच्चे जानते हैं ना आरटीई वाले हैं, आरटीई एक्ट के थ्रू जो डेट ऑफ बर्थ से उन्हें वही क्लास दिया जाता है, वो आरटीई वाले बच्चे हैं। तो आरटीई वाले बच्चे अभी कोरोना से पहले तो एक आरटीई की टीचर आती थी, आरटीई की टीचर आती थी तो वो 8 महीने में उनको इतना कवर करवा देती थी कि वो नेक्स्ट क्लास में अपने जब जाएं तो वो बच्चे पढ़ने लगे। तो मैम टीचर का तो कहना था अभी कि जनरल नॉलेज के लिए कोई टीचर नहीं है, मतलब जीके की कोई टीचर नहीं, हम ही लोग बताते हैं। हम कहाँ उर्दू बताती नहीं है, मैंने उनसे बोला कि हाँ बताया कीजिए, आप कह रहे कि हाँ कभी कभी बताया, जो भी चीज़ें नहीं, यहाँ प्रेयर में रोज बताया जा रहा है, प्रेयर में रोज बताया जा रहा है, रोज बताया जाता। तो आज सुबह का वीडियो दिखाओ आपको, आज सुबह का वीडियो सुनाइए, दिखाइए, रोज रोज बताया जाता है, दिमाग में तो आ ही जाता है ना मैम ये सारी चीज़ें, दिमाग में आ जाती है। और अब बच्चे ही हैं, एक तो देख के घबरा भी जाते हैं थोड़ा सा, है ना, वो तो चीज़ें, और हाँ वो सब चीज़ें नहीं फ्रेंकली, और हम भी फ्रेंकली ही बता रहे हैं आपको जो चीज़ें हैं, फोर्स नहीं किया, सबसे देखिए यहाँ बात कर लीजिए, सबसे अच्छे से बात की, नहीं आपने खुद ही अच्छे से बात करी, हम ये नहीं कह रहे कि आपने अच्छे से बात नहीं करी, मतलब ऐसे बहुत होते हैं कैमरा फेस करके डरते हैं, तो इसीलिए मैंने उनसे अच्छे से बात किया, कैमरा बंद करके ही बात किया है हमने कई लोगों से। लेकिन मैम जनरल नॉलेज वीक होना, जैसे कुछ ऐसी चीज़ें पूछ लें तो ना बता पाएं तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं प्रधानमंत्री और ये सीएम योगी आदित्यनाथ ये सब चीज़ें नहीं पता है ना लोगों को, कुछ बच्चों ने बताई हैं आपको, कुछ बच्चों ने बताई हैं आपको, बताया नहीं मैम, इनकरेक्ट नाम बताए हैं, मतलब मिक्स करके, तो उसका तो वो जो है उसका मतलब ये है कि बताया जा रहा है, बच्चे खुद मिक्स कर देते हैं, उनको बताया जा रहा है एक साथ ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं जब, तो बच्चे मिक्स कर देते हैं। जैसा कि आपने देखा, हमने यहाँ के जो जोन 4 का जो प्राथमिक स्कूल है उसके हालातों से आपको रूबरू कराया, यहाँ के बच्चों से ही बात की, यहाँ पे बच्चों ने जिस तरह से सवालों के जवाब दिए एक तरह से काबिलियत तारीफ है। और हालांकि कई लोगों की जनरल वीक थी, टीचरों से ही बात की, टीचरों का कहना है कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन टीचरों की ढिलाई की वजह से ये हालात बन रहे हैं कि बच्चों को मुख्यमंत्री का नाम नहीं पता है, प्रधानमंत्री का नाम नहीं पता है, हालाँकि कोशिश की जा रही है। इस खबर के लिए बस इतना ही, देखते रहें लिमरा न्यूज़, कैमरा पर्सन इमरान हैदर के साथ मैं अंकित तिवारी, लखनऊ।